अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से ही होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने अमान में रखे। परवरदिगार, अच्छा जी, आज मैं बना रही हूँ कड़े मसाले का गोश्त। तो इंग्रेडिएंट्स आप लोगों को बता देती हूँ मैं जल्दी जल्दी से। अच्छा जी, मैंने हाफ कप जो है वो ऑयल ले लिया था और हाफ के जी मेरे पास गोश्त है, उसको वॉश करके मैंने रख लिया था, ड्रेन कर लिया था। उसके बाद दो अदद टमाटर ले लिए थे मैंने, उसको मैंने चॉप कर लिया था। फिर मैंने चार अदद प्याज ले ली थी, उसको मैंने चॉप कर लिया था। अदरक लहसुन को भी मैंने चॉप कर लिया था। साथ ही साथ जो है वो हाफ टेबल स्पून साबुत धनिया और ज़ीरा ले लिया था मैंने। चार से पाँच अदद मैंने जो है वो साबुत मिर्चें ले ली थी। गर्म मसाला थोड़ा सा ले लिया था, हाफ टेबल स्पून किसी भी मिर्च, नमक हसबे जायका और हल्दी जो है वो हाफ टी स्पून ले ली थी। हरा धनिया, हरी मिर्ची ले ली थी, साथ ही साथ जो एंड में डलेंगी। यहाँ मैंने ऑयल गर्म होते ही प्याज उसमें ऐड कर दी थी और प्याज मेरी वैसे ही लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो मैंने इसमें गोश्त ऐड कर दिया था। अच्छा जी, प्याज मेरी ब्राउन हो चुकी है, अब मैं इसके अंदर गोश्त ऐड कर दूँगी। फिर इसको थोड़ा सा भून लेंगे। देन इसके बाद जो अदरक और लहसुन मैंने रखा हुआ था चॉप करके, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, क्योंकि घड़े मसाले का गोश्त है तो हर चीज़ इसमें जो है वो साबुत साबुत ही जाएगी ऐसी। तो मैंने इसलिए बहुत ज़्यादा फाइन चॉप नहीं किया था, रफली चॉप कर लिया था इसको। अच्छा जी, ये अच्छी तरीके से भुन चुका है। अब मैं इसके अंदर जो है वो अपना गर्म मसाला जो था जिसमें तेज़पत्ता, एक बड़ी इलायची और चार से पांच अदद जो है वो लॉन्ग और काली मिर्च वो ऐड कर दूंगी। फिर से सौते हो जाएंगी। सौते होने के बाद अच्छा जी, मेरे पास वन कप जो है वो दही था, वो दही मेरे पास फ्रीज हुआ हुआ था तो आपको इस शक्ल में नजर आ रहा है तो मैंने ऐड कर दिया था। अच्छा जी, यहाँ पे जो है मैंने गोश्त अच्छी तरह भून लिया था, उसमें साबित मिर्च ऐड कर दूंगी और अपने जो स्पाइसेस थे ना, पिसी हुई मिर्च, नमक और हल्दी वो ऐड कर दूंगी। साथ ही साथ फिर उसको दोबारा से थोड़ा सा भून लेंगे। यहाँ अच्छी तरीके से अपने मसाले को मैं भून लूंगी। अच्छा जी, गोश्त अच्छी तरीके से भुन चुका था तो अब मैंने इसके अंदर जो है वो दो ग्लास पानी ऐड कर दूंगी। अच्छा जी, जब थोड़ा सा उसमें जोश वोश आ जाएगा ना, तो फिर इसके अंदर जो मैंने कट किए हुए अपने दो अदर टमाटर रखे थे ना, वो मैं इसके अंदर अब ऐड कर दूंगी। फिर मैं उसको गोश्त गलने तक जो है वो कवर अप करके रख दूंगी ताकि अच्छा सा हमारा गोश्त गल जाए। आफ्टर 30 मिनट्स जो है वो मेरा गोश्त गल चुका था तो फिर मैंने इसको
चेक भी कर लिया था और अच्छी तरीके से भून लिया था, उसके बाद इसका फाइनल लुक ये आया था। तो अब इस स्टेज के अंदर जो मैंने अपना धनिया और साबुत धनिया और ज़ीरा रखा था ना, उसको मैंने भूना नहीं था, उसको मैंने ऐसे ही जो है वो कूट लिया था। इसको मैं अब गोश्त के अंदर ऐड कर दूँगी, फिर हल्का सा इसको जो है मैं वो मिक्स शिक्स करके फिर उसके अंदर हरा धनिया हरी मिर्ची ऐड कर दूँगी। मैंने हरा धनिया और हरी मिर्ची भी ऐड कर दी इसके अंदर, साथ ही साथ जो है वो मैं पराठा भी बना रही थी ताकि सर्व वो पराठे के साथ, तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है पराठे के साथ ये। साथ ही साथ यहाँ मेरा पराठा भी बन गया था, सालन भी मेरा रेडी हो चुका था, खड़े मसाले का गोश्त, कलर भी इसका बहुत अच्छा सा आ गया था और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। पराठा भी मेरा यहाँ पे जो है वो रेडी हो चुका था, तो अब मैं इसको सर्व कर लूँगी। फाइनली मैंने इसको कर दिया था सर्व और फाइनल लुक आप इसकी देख सकते हैं, और आप लोग भी ट्राई करें और कमेंट्स करें, सब्सक्राइब माय चैनल और दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।